नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डब्ल्यूआरसी न्यूज़ को एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईएसआईएस के बारे में, जिसने अफगानिस्तान के अंदर अभी हाल ही में तक काबुल एयरपोर्ट के पास हमला किया था, जिसमें कि दर्जनों और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और उसी के साथ 13 से ज्यादा जो अमेरिकन सोल्जर थे उनकी मौत हुई। तो उसके बाद अमेरिका गर्म हो गया था और आईएसआईएस के आतंकवादियों को एक हमले में बोला जा रहा है कि अमेरिका के मुताबिक कि उसका जो मास्टरमाइंड था उस हमले का वो मार गिराया गया है। आईएसआईएस और आईएसआईएस के जो कि खुरासन भी जिसको कहा जाता है, जिसने कि काबुल में अभी हमला किया है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये हमला क्यों करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे और कहाँ इनका एक तरह से लोकेशन है, कहाँ पे इनकी पकड़ है और इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये भी हम बताएंगे और इन दोनों की विचारधाराओं पे सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो उससे पहले अगर वीडियो पे न्यू है, चैनल पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तालिबान और आईएसआईएस के, जिसको कि आईएसआईएस खुरासन भी कहते हैं, दोनों ही जिहाद के नाम पर आतंक फैलाते रहते हैं और लोगों की जान लेते रहते हैं। दोनों का दुश्मन भी एक ही है, अमेरिका, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को रास नहीं आते हैं। यही कारण है कि आपस में भी कभी कभार ये दोनों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में ये मुठभेड़ होने का वजह क्या है? तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने कई आतंकी संगठनों को मजबूत कर दिया है। कभी कभी अमेरिका के हमलों की वजह से कमजोर हुए और भिन्न भिन्न हुए आतंकी संगठन अब तालिबान के राज में फिर से सिर उठाने लगे हैं। ये आतंकी हमले कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को भी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन का नाम है आईएसआईएस के, जो अमेरिकी और तालिबान को अपना दुश्मन मानता है, ये बात हैरान कर सकती है। लेकिन तालिबान और आईएसआईएस के बीच कोई सीधा वास्ता नहीं है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और अलग अलग विचारधारा रखते हैं। तो ये आईएसआईएस के है क्या, इनका जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, आईएसआईएस के, इसमें के का मतलब होता है खुरासन। इस आतंकी संगठन को आईएसआईएस की एक शाखा भी कह सकते हैं। जब साल 2014 में आईएसआईएस ने सीरिया और इराक में कई इलाकों का कब्जा कर लिया था और उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी, इस दौरान कई पाकिस्तानी तालिबानियों ने दूसरे आतंकी संगठन समूह को अपना संघ मतलब समूह को संघ हाथ मिला लिया था उनके साथ। उनका लक्ष्य अफगानिस्तान में अपने वजूद को मजबूत करना था। नाम रख दिया था उसका आईएसआईएस खुरासन। या खुरासन असल में एक प्राचीन जगह है जिसके अंतर्गत कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक के कई हिस्से आया करते थे। अब तालिबान और आईएसआईएस के दोनों जिहाद के नाम पर आतंक फैलाते हैं, लोगों की जान दोनों ने ली है, इन दोनों का दुश्मन भी अमेरिका है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को रास नहीं आते हैं। वजह बहुत साधारण है, दोनों का काम करने का स्टाइल। दरअसल 2014 और 2015 में आईएसआईएस के खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, तब उसने आरोप लगाया कि तालिबान ने जिहाद मुहिम को कमजोर किया है। यहां तक कहा जाता था कि तालिबान मजबूती से शरिया कानून जो होता है उसको पालन नहीं करता है और वो अमेरिका की एक अटपुतली बनकर रह गया है। और दोस्तों, अब इसके बाद में बात करेंगे तालिबान और आईएसआईएस के बारे में, अंतर इन दोनों में क्या है। तो अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि तालिबान ने खुद को अफगानिस्तान तक सीमित रखा है, लेकिन आईएसआईएस और आईएसआईएस के अपने ज्यादा बड़े जो सपने हैं उनके है, उसे कई दूसरे मुल्कों तक शरिया कानून का विस्तार करने का सपना देख रखा है। खुरासन की काल्पनिक सीमा अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, सब जगह वह उसे जिहादी मानसिकता को मजबूत करना और शरिया कानून को लागू करना उसका एक मिशन है। लेकिन तालिबान के साथ ऐसा नहीं है। तालिबान ने हमेशा से खुद को सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित रखा। उसे भी शरिया कानून लागू करवाना है, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान में। उसे भी अमेरिका से लड़ना है, लेकिन हथियारों के साथ, बातचीत के जरिए। तो दोस्तों, इसके बाद आता है कैसे बन गए ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। अब ये बातचीत ही वो पहलू है जो कि तालिबान और आईएसआईएस को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। तो दोस्तों, जब अमेरिका ने फैसला लिया था कि अफगानिस्तान से वो अपनी सेना को वापस बुलाएगा, तब तालिबान संग एक लंबी बातचीत चली थी। दोहा वार्ता के तहत कई समझौते हुए, तालिबान ने बड़े बड़े वादे कर डाले थे। अब उन्हीं वादे को आईएसआईएस के धोखा और गद्दारी मानता है। उसकी नजरों में तालिबान ने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है। पूरी दुनिया की जरूरत वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की जीत मान रही है, लेकिन आईएसआईएस के लिए यह सिर्फ एक समझौता और जिस वजह से उसकी जिहादी मुहिम कमजोर पड़ी है, ऐसा आईएसआईएस के समझता है। तालिबान के लिए भी आईएसआईएस के एक बड़ा रोड़े की तरह है। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाना चाहता है, उसे पूरी दुनिया से अपने संगठन को मान्यता दिलवाना चाहता है। वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कई मौके पर आईएसआईएस के ने उस कोशिश को एक तरह से उस पर पानी फेर दिया है। तालिबान
कहता है कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंक पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तभी उसी वक्त पे आईएसआईएस के आत्मघाती हमले करा देता है, जो कि दुनिया की नजरों में एकदम से आ जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान आतंक मचा रहा है, लेकिन वो आईएसआईएस के आत्मघाती हमले होते हैं। ऐसे में अगर तालिबान और उसकी सत्ता के बीच सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो है आईएसआईएस के। यही वजह है कि दोनों अमेरिका और तालिबान ने कई मौके पर आईएसआईएस के लड़ाकों पर हमला किया है, और ये भी दुनिया की नजरों में आया है कि अमेरिका एक तरह से तालिबान के साथ मिलकर आईएसआईएस के ऊपर हमला करता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अमेरिका की जो एक छवि है कि वो आतंकियों के खिलाफ लड़ता है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जाती है जब ये खबर निकल के सामने आती है कि तालिबान के साथ उसने मिलकर हमला किया है। यही खबर अभी निकल के सामने आई थी कि आईएसआईएस के हम ठिकानों पर हमला किया जो कि तालिबान के साथ मिलकर किया था। तो ये अमेरिका का दोगला रवैया भी एक तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे, और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।